दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। आज हम दोस्त फुल एचडी में क्वेश्चन नंबर 38 बनाएंगे। क्वेश्चन 38 बोलते हैं दोस्त विलियम सिंथेसिस क्या है। ये दोस्त एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। तो विलियमसन सिंथेसिस मेरा एक तरह का नेमिक रिएक्शन है। तो विलियमसन रिएक्शन में दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेते हो। अल्काइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा RX। रिएजेंट के रूप में सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा दोस्त रोना, जो कि मतलब सोडियम अल्कोक्साइड। और यहाँ पर दोस्त हीट का साइन लेंगे। हीट का साइन इसलिए लिया जा रहा है दोस्त क्योंकि हमारा सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर दोस्त सोडियम मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम हेलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बना दिया। यहाँ पर सोडियम हैलाइड लिख दिए दोस्त। अब यहाँ पर बच गया अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप। और ये बच गए दोस्त अल्कोक्सी ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप में अल्कोक्सी ग्रुप लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। एक अल्काइल दो अल्काइल हो गया, तो डाई अल्काइल ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका दोस्त डाई अल्काइल ईथर। और यूपिक नेम की बात की जाए दोस्त तो अल्क ऑक्सी अल्केन। सबस्ट्रेट के रूप में RX था तो RX लिख दिए। रिएजेंट मेरा RONA था तो RONA लिख दिए। सबस्ट्रेट के नाम अल्काइल हैलाइड है दोस्त, यहाँ पर लिख दिया अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट के नाम सोडियम अल्कोक्साइड है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त सोडियम अल्कोक्साइड। देखिए दोस्त इसका लैंग्वेज है हमारा कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में डाई अल्काइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बनता है। और लैंग्वेज आपको दोस्त व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड देन डाई अल्काइल ईथर इज फॉर्म। तो होने वाला रिएक्शन आपको दोस्त विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहलाएगा। तो अल्काइल हैलाइड का दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन RX हो गया। एक कार्बन का अल्काइल मेरा मिथाइल ग्रुप है तो सबस्ट्रेट के रूप में ले लिया दोस्त मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ अल्काइल ग्रुप के रूप में इथाइल ग्रुप ले लिए, इसका फॉर्मूला गया हमारा CH3CH2। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ही दिए, सोडियम था दोस्त तो सोडियम ही दिए, हीट का साइन था तो यहाँ पर दिए हीट का साइन। अब दोस्त इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेरा मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिए मिथाइल क्लोराइड। और यूपिक नेम हो गया आपका दोस्त क्लोरोमीथेन। इस रिएजेंट का नाम हो गया सोडियम ईथ ऑक्साइड, यहाँ पर लिख दिए दोस्त सोडियम ईथ ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट किया तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिया, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड लिख दिए। यहाँ बचे मिथाइल ग्रुप, अब ये मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सी ग्रुप से जुड़ गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया मेरा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन के बगल में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त इथाइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला गया CH2CH3। ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल, तो ABC में इथाइल का ये मिथाइल का एम में सबसे पहले ये आता है, सबसे पहले लिखेंगे दोस्त इथाइल, उसके बाद मिथाइल लेंगे फिर इथर लिखेंगे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका इथाइल मिथाइल ईथर। और इसके यूपिक नेम की बात की जाए दोस्त मिथ, देखिए दोस्त मिथाइल ग्रुप में जब ऑक्सीजन लग जाता है तो उसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया आपका 1-methoxy इथेन। और सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल क्लोराइड था, रिएजेंट मेरा सोडियम मिथॉक्साइड था दोस्त। तो जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करेंगे तब बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनेगा और मेन प्रोडक्ट के रूप में दोस्त इथाइल मिथाइल ईथर बनेगा। तो होने वाला रिएक्शन दोस्त विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहलाएगा। इसका लैंग्वेज हो गया आपका दोस्त व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम ईथॉक्साइड देन इथाइल मिथाइल ईथर इज फॉर्म।
तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर। इससे तो फुल एचडी में मेरा नेमिंग रिएक्शन क्या हो गया, खत्म।